अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के डिफरेंट जो फोरम्स हैं, उन सब पर एक बहस चल रही है और हर किस्म के लोग हर किस्म मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी आरा दे रहे हैं। कोई कोरोना के मुतालिक नेगेटिव आरा दे रहा है, कोई पॉजिटिव आरा दे रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कहता है कि भाई सिरे से इस चीज़ का वजूद ही नहीं है, और कुछ लोग बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर इस वक्त ये गवर्नमेंट ना होती, किसी और की होती, तो हो सकता है ये लोग अपोजिशन वाले इस तरह की, ये अपोजिशन में होते तो ये भी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते। तो एक एंटी किस्म की बिल्कुल स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई फैलाई जा रही है बात के गवर्नमेंट शायद इस पर कुछ पैसे वसूल कर रही है या फलां 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 एक्सेट्रा। तो सिर्फ गुजारिश ये करनी थी भाई कि चाहे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजी हुई हमारे गुनाहों की सज़ा है वबा के तौर पे, या अगर जो लोग समझते हैं कि ये मैन मेड है और कुदरती आफत नहीं है तो उनकी बात देख ली जाए, तो चले वो भी ठीक है भाई अगर मैन मेड है तो भी। और अगर गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि भाई आप एहतियात करें, तो गवर्नमेंट आपसे और कुछ तो और तो कुछ नहीं कहता, कुछ भी आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा, तमाम लोग आपसे यही बात कर रहे हैं, आवाम से यही सिर्फ अपील की जा रही है कि भाई सिर्फ एहतियात करें। कोई गुनाह करने का आपको नहीं कहा जा रहा, कोई शराब अल्लाह माफ़ करे कोई पीने का आपको नहीं कहा जा रहा, किसी किस्म की बैड एक्टिविटी की तरफ आपको नहीं कहा जा रहा, तो सिर्फ एहतियात की तलकीन की जा रही है। और उस पर भी हमारे लोगों की अकड़ावट नहीं ख़त्म हो रही कि भाई ये नहीं है भाई, मतलब हम एहतियात नहीं करेंगे ये नहीं है। तो एहतियात करने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप एहतियात करें, कम अज़ कम एहतियात करें, चाहे आपके अपनी प्रेडिक्शन, आपकी अपनी जो थिंकिंग है वो 99% ठीक हो, लेकिन जो वो 1% रह जाता है, अगर वो 1% थोड़ा सा भी ठीक हो गया तो बंदे की जान चली जानी है। और ये जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है एक, और हमने ज़ाहिर बात है उसको इस तरह ज़ाया नहीं करना कि हमारी बेहतियाती या बदहतियाती की वजह से हमारी जान चली जाए या हमारी वजह से किसी बंदे की जान चली जाए। तवक्कल ठीक है, लेकिन तवक्कल का भी एक तरीकाकार होता है, ये नहीं कि आप घर में घर से बाहर जाएँ, गाँव जाएँ और अपने शहर वाले घर को या रात को सोएँ तो घर का ताला ना लगाएँ कि भाई ठीक है हमारे घर पर चोरी नहीं होगी या हमारे घर कोई आएगा नहीं। आप ताला लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं, तमाम इकदाम करते हैं, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करके सोते हैं या जगते हैं, या इस तरह आप घर से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कोई और चीज़ करते हैं, तो प्रिकॉशन आप लेते हैं अपनी सेहत के हवाले से। तो सिर्फ इल्तिजा है, हमारा मज़हब भी इस मामले में यही तलकिन करता है कि भाई आप एहतियात करें, एहतियात का दामन ना छोड़ें, और हमारे हाथ में सिर्फ एहतियात एहतियात ज़रूर की जाए, चाहे वो है नहीं है, वो ज़्यादा है कम है, इस बहस से कतअ नज़र सिर्फ एहतियात की गुजारिश जो की जा रही है तमाम लोगों से, खुदा रहा, अपना, अपने बच्चों का, अपने गिर्द नुआ के लोगों का, सबका ख्याल रखते हुए एहतियात कीजिए और इसमें से कुछ जितना हो सके फैलाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकअल्लाह।